आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मसीहा, एक एंजल की। बहुत कुछ सहा इन्होंने, बहुत कुछ झेला इन्होंने, और उसके बाद ये वहां से वापस आई हैं, और अब ये उन लोगों के लिए काम करती हैं जो लोग अत्याचार झेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नोबेल पीस प्राइज विनर 2018 की नादिया मुराद। इन्होंने काफी कुछ झेला है, टॉर्चर सहा है, रेप्स हुए हैं इनके साथ, और बहुत सारी औरतों की जो कंडीशन है रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरीज ये बताती है, और अब उनके लिए काम करती है ताकि किसी तरह उनको बचाया जा सके। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं इस समय, और इसी के काम के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। हम इसको एनालाइज करेंगे, इनकी स्टोरी जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं नादिया मुराद की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको उनमें फेसबुक पेज से @ecnnect, मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी। आप उससे क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, सब कुछ। साथ ही साथ 22,500 रुपए में यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस में पेन ड्राइव कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या फिर नंबर्स पे कॉल कीजिए, और अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और वेबसाइट विजिट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2018 के नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो ये दो लोगों को मिला है, आधा आधा प्राइस शेयर होगा। सबसे पहली कौन है? नादिया मुराद। और दूसरे कौन है? डेनिस मुकवेगे। ये दोनों ही जो हैं, डेनिस मुकवेगे की जो बायोग्राफी है वो मैं कल लेके आऊंगा, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। दोनों ही ने जो वहां पर रेप विक्टिम्स होते हैं, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, उनके खिलाफ आवाज उठाई है, उनके लिए काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां इतना ज्यादा अत्याचार है वहां पर ये लोग सामने आते हैं और इंसानियत को तो कम से कम जिंदा रखते हैं। तो ये चीज है। नादिया मुराद की अगर बात करें तो ये बेसिकली जर्मन बेस्ड यजीदी इराकी हैं। यजीदी कौन है? अभी मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं, सारी चीजें बताऊंगा, फिलहाल आप एक समरी ले लीजिए। इनको 2018 का नोबेल प्राइज मिला है। आईएसआईएस के खतरनाक चंगुल से ये बच के आई हैं। दोस्तों, आईएसआईएस की अगर बात करें, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, पूरा कबाड़ा करके रखा हुआ है आईएसआईएस ने। अरब स्प्रिंग हुआ था, ठीक है, और 2010 के बाद हर देश में इतनी बुरी, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पे इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। बहुत सारों में तो डेमोक्रेसी आ गई, जैसे टूनिशिया में टूनिशिया रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें तो डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन बहुत सारे नेशंस सिविल वॉर की चपेट में आ गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा कबाड़ा जो होके रखा है वो है सीरिया, क्योंकि सीरिया में पूरा अलग थलग उसको छोड़ दिया गया है। अलग थलग से कहने का मतलब है वहां पे कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, वहां पे देश अपना इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। वही पुरानी लड़ाई, अमेरिका और रशिया, शिया और सुन्नी, इन दोनों में भयंकर तरीके से टसल है, और इसमें सबसे ज्यादा किसी की जान जा रही है, छोटे छोटे बच्चे, औरतें। आपको पता है वहां पे सेक्स स्लेव मार्केट है, जिस तरह से आप मॉल में जाते हैं ना, प्राइस टैग लगा होता है, वहीं पे ही औरतों में प्राइस टैग लगाकर उनको बेचा जाता है। इतनी बुरी कंडीशन है, और वहां से नादिया मुराद बच के आई है। तो क्या है कि बहुत सारे देश सिविल वॉर की चपेट में आ गए हैं, सीरिया उसमें सबसे बड़ा, सीरिया और इराक सबसे बड़ा है। तो बहुत बुरी कंडीशन है वहां पे, क्या हो रहा है किसी को खुद भी नहीं पता, और ये जान के बहुत ज्यादा दुख होता है कि इतने पावरफुल नेशन जो चीजों को सही कर सकते हैं वो भी पीछे हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। ये चीज है, और उसमें भुगत कौन रहा है? आम इंसान। वैसे तो अरब स्प्रिंग का मेरा डिटेल वीडियो है, आप देख लीजिएगा, दो पार्ट में है, मैंने उसमें सब कुछ समझाया है, लेकिन जो शुरुआत है ना वो यहां से हुई थी। मुराद जो हैं, ये इनका जो इनिशिएटिव है, नादियाज इनिशिएटिव, नेट पे अवेलेबल है, आप देखिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूट भी करना चाहता है वो कर सकते हैं। औरतों और बच्चों को मदद देंगी ये, क्योंकि इन्होंने साक्षात देखा है, सिर्फ 25 साल की है, 1993 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने साक्षात देखा है कि किस तरह से औरतों और बच्चों पे क्राइम होता है, क्योंकि मर्दों को तो वहां पे सीधा मार दिया जाता है, ठीक है, सीधा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी जाती है, गर्दन काट दी जाती है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। अब इनकी स्टोरी देखते हैं। अगर नादिया मुराद की बात करें तो कौजो सिंजार जो डिस्ट्रिक्ट है इराक में, वहां पे इनका 1993 में जन्म हुआ था। भैया देखिए, यजीदी की पहले मैं बात करना चाहता हूं, यजीदी जो होते हैं ये बेसिकली वहां पे माइनॉरिटी में है, मोनोथीस्ट हैं, मोनोथीस्ट जो एक भगवान को मानते हैं, एक भगवान जिसने पूरी दुनिया बनाई, इनको डेविल वर्शिपर्स भी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों के ये सीधा निशाने पर रहते हैं कि इनको तो छोड़ना नहीं है,
काफी सालों से इन पे अत्याचार होते जा रहे हैं, इनको साफ करने की प्रथा जो है, मारने की प्रथा चली आ रही है, लोगों से बिल्कुल ये खटकते हैं, सुन्नियों से इनका बहुत। अब क्या है कि सुन्नी रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, आपको पता ही है, इट्स ऑल अबाउट शिया एंड सुन्नी। तो क्या है कि जो सुन्नी है उसी का ही लेट स्टेट है ISIS, वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, इनको पूरी तरह से अटैक करेगा। अब कब इनको मौका मिलेगा, जब 2010 के बाद अरब स्प्रिंग आया, मतलब 2009-2010 में अरब स्प्रिंग आया, तब मौका मिला। वहां पे क्या हुआ कि जो ये यजीदी ग्रुप है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वैसे ये माइनॉरिटी ग्रुप है ये पूरी तरह, और इनको अटैक करो, पकड़ के सबको मारो। तो अब जब ISIS का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, भैया वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहां किसी की सुना, वह कहां उसमें इंसानियत है, वो तो बस पकड़ेगा मारेगा। लोगों में वैसे ही दहशत थी। जब ISIS का उदय होता है तो इस सिटी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। नादिया मुराद और यजीदी कम्युनिटी बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, अच्छे से रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं। चाहती थी नादिया मुराद कि वो एक हिस्टोरियन बने, क्या बात है, वो एक हिस्टोरियन बने और मेकअप आर्टिस्ट बने। अगल बगल जितने भी लोग हैं सब पीसफुली रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है ये, अच्छे से रहते हैं। लेकिन दिक्कत कहां से शुरू होती है, जब ISIS आ जाता है, सारे सपने नादिया मुराद के चकनाचूर हो जाते हैं, और ऐसे नरक में जाने वाली हैं वो, अब हालत खराब कर देने वाला है, पूरी तरह से मेंटली फिजिकली तोड़ देने वाली कहानी है ये, ठीक है। और सोचिए दोस्तों, मैं तो आपको बता रहा हूं सिर्फ, आप सुन रहे हैं, जरा एक मिनट खुद को इनकी जगह रख के देखिए और तब सोचिए, आपकी रूह कांप जाएगी कि किस दर्द से ये गुजरी है, ठीक है। तो अब क्या है कि 3 अगस्त 2014 में जब ISIS ने पूरे विलेज पे कब्जा कर लिया था बुरी तरह से, वो तो सीधा ऑल आउट अटैक करेंगे, बगल में ही एक बहुत बड़ी माउंटेन है, काफी लोग वहां चले गए, लगभग 50,000 के करीब लोग वहां चले गए, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग उस विलेज में फंस के रह गए। अब क्या करें, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सामने आतंकवादी है, आप निहत्ते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो औरतों देखिए, वहां पे जितने भी जो मर्द हैं उनको तो सीधा मारा जाने लगा, जैसे ही उन्होंने कब्जा किया एक लाइन बना के सबको शूट करना उन्होंने शुरू कर दिया। 6 जो थे भाई नादिया के, उनको भी वहीं मार दिया गया। काफी औरतों को उन्होंने प्रिजनर ले लिए, जो भाग गए थे वो तो भाग गए, लेकिन लगभग 6,700 यजीदी वुमेन्स को इन्होंने प्रिजनर ले लिया, जिसमें से एक नादिया भी थी। उस समय तो बहुत ज्यादा छोटी थी, 20 साल की थी, क्या करें, बहुत दिक्कत। 15 सितंबर 2014 आते आते ISIS का क्रूर जो चेहरा है वो पूरा सामने आने लगा। अब उनको दो चॉइस दी गई, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए या फिर आप एग्जीक्यूट, हम आपको मार देंगे। अब जाहिर सी बात है कोई मरना तो चाहेगा नहीं, सब इस्लाम में कन्वर्ट होते गए। और उसके बाद इस फोर्स्ड कन्वर्जन में हुआ क्या कि जो यंग गर्ल्स थी, जो छोटी छोटी लड़कियां थी, 14 साल 13 साल 12 साल, उन सबको सेक्सुअल वायलेंस में ढकेल दिया गया और बहुत बुरी हालत हो गई, ठीक है। अब क्या है, यहां पे बेसिकली सेक्सुअल एनस्लेव मार्केट होगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, सॉरी। तो क्या है कि यहां पे इनकी भयंकर तरीके से सेक्सुअल ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन यंग गर्ल्स को क्या किया जाता था, सबसे पहले टेररिस्ट जाते थे, पूरे गांव को कैप्चर करते थे, मैक्सिमम मर्दों को मार देते थे, और उसके बाद औरतों और बच्चों को लेते थे, उनसे अलग किया जाता था, औरतों को एक ट्रक में भरा जाता था और उनको फिर मौसूल ले जाया जाता था, ठीक है। मौसूल ISIS ने कैप्चर कर लिया था, वहां पे प्राइज टैगिंग होती थी, औरतों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था और उन पे टैग लगा दिए जाते थे, जैसे मॉल में होता है ना, मॉल में कपड़ों में टैग्स लगा दिए जाते हैं, वैसे वहां पे भी टैग्स लगा दिए जाते थे, ठीक है। तो टैग लगा दिए कि आओ भैया खरीदो, पूरा मार्केट होता था बकायदा। सोचिए आप, इससे पहले क्या हुआ, जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले, कभी भी शॉप में आने से पहले उसको पूरा तैयार किया जाता है, उसकी फर्निशिंग की जाती है, पूरी लिस्ट बनाई जाती है, उसी तरह यहाँ पे इंसानों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, स्पेशली यंग गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि इनको सीधा प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना था। अब इससे पहले क्या होता है कि इन ट्रक भरी हुई जो लड़कियां होती हैं, इनको ले जाया जाता है एक बहुत बड़े घर में, वहां पे छोटे छोटे रूम्स होते हैं जहां पे इनको रखा जाता था, उसमें एक नादिया मुराद भी थी, नादिया मुराद को भी एक ऐसे ही रूम में रखा गया था, वहां पे बहुत सारी औरतें थी,
चिल्ला रही थी, ठीक है, रो रही थी, भीख मांग रही थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या है, ये जो सेक्स मार्केट है ये रात को ओपन होता था, ये नादिया मुराद बताती है। अब क्या है कि वहां पे एक आदमी आता है, सबको एनालाइज करता है, कौन कितने का है, मतलब क्या उम्र है सबकी। वो पूछता है कि क्या ये वर्जिन लड़कियां हैं, ठीक है। दूसरा बोलता है बिल्कुल, नोट करता है वो अपना फेस, हाँ ये वर्जिन है, आप इनको ले जा सकते हैं, बड़ा खुश होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पैसे में बिकेंगी। अब क्या है कि एक और वहां पे आदमी आता है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि इन सेक्स वर्कर्स को सबाया बोला जाता था, ठीक है, सबाया बोला जाता था, और इनको जो है मैगजीन में भी पोर्ट्रेट किया जाता था। मैगजीन में क्यों दिखाया जाता था, देखिए आईएस, आईएस आपको पता ही है, अभी कुछ साल पहले तक भयंकर तरीके से रिक्रूटमेंट उसने चलाया था, तो उनकी जो मैगजीन थी दाबिक, उनमें इन सबाया को, इन सेक्स वर्कर्स, मतलब जो फोर्स्ड सेक्स स्लेवरी है, ये दिखाया जाता था कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, आप आइए आराम से इन लड़कियों का मजा उठाइए, प्रोडक्ट की तरह उनको बेचा जाता था, ऐसी कंडीशन थी। तो वहां पे एक आदमी आता है, नादिया ने पिंक जैकेट पहनी होती है, वो आदमी इनसे बोलता है कि चलो खड़े हो। नादिया बहुत रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, नादिया बोलती है मुझे नहीं खड़ा होना, मुझे कहीं नहीं जाना, एक घसीट के लात मारता है, चलो समझ में नहीं आता। और वो इंसान, नादिया बताती है, वो इंसान कई इंसान तो कहना उसको बिल्कुल गलत होगा, वो एक राक्षस था, मॉन्स्टर लग रहा था। नादिया बहुत लड़ती हैं, काफी फिजिकल एक तरह से कॉन्फ्रेंटेशन होता है, लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं, उनको पकड़ के ले जाया जाता है मारते हुए घसीटते हुए, और सारी औरतों का यही हाल होता है। नादिया मुराद तो फिर भी अपने आप को लकी मानती हैं कि कम से कम मुझे अपनी आवाज उठाने का मौका तो मिला। आपको पता है जब उन्होंने स्पीच दी थी पहली बार यूनाइटेड नेशंस में, तो वो कांप रही थी, उनकी इतनी बुरी हालत थी। तो क्या है कि उनको कम से कम मौका मिला, लेकिन सोचिए कितनी ज्यादा औरतें होंगी जिनको जिनकी कोई आवाज ही नहीं है, और इससे भयानक भयानक उनके साथ काम हुए होंगे। नादिया बस ये चाहती है कि किसी तरह मैं यहां से छूटूं, बट उनके पास कोई भी एस्केप का चारा नहीं होता है, बालों से पकड़ के उनको ले जाते हैं, और उसके बाद फिर उस मार्केट में छोड़ दिया जाता है। पहले तो पूरी तरह से उनको तैयार किया जाता है, प्राइस टैग लगाया जाता है कि कौन से एज की गर्ल कितने में बिकेंगी। अब क्या है कि इनका पूरा फेस कवर कर दिया जाता है ताकि सामने मुंह ना दिखे, इनको खाली पैर दिखते हैं। तो नादिया बताती हैं कि मैं जब मार्केट में गई तो मुझे खाली पैर दिख रहे थे, तो मैं चाहती थी बस इस राक्षस से मुझे छुटकारा मिले, तो मैंने देखा एक बहुत ही पतले पैर हैं, वो आया और मैं उसे भीख मांगने लगी कि मुझे बस यहां से ले जाओ, मुझे बस बचा लो। तो वो बिल्कुल एग्री हो गया और उसने खरीदा, वो जज था, बिल्कुल वो जज था। अब वो इस नादिया को ले गया, वो नादिया को अपने घर में ले जाता है, बड़ा पहले तो पोलाइट होता है, हम्बल होता है, नाम वाम पूछता है, और उसके बाद 3 महीने तक ऐसा टॉर्चर होता है, इतनी बुरी तरह इनको टॉर्चर किया जाता है, डेली रेप किया जाता है इनके साथ, डेली बलात्कार होता है, अलग अलग लोग आते हैं, इनको मारते हैं, इनको पीटते हैं, इनके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरह से इनको टॉर्चर किया जाता है, सिगरेट से इनको जलाया जाता है, मारा जाता है, हर चीज जो भी इंसानियत के नाम पे धब्बा है, जो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, वो सब इनके साथ होता है। पूरी तरह से टूट गई थी ये, मेंटली ब्रोक थी, या कोई भी हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं डार्क साइड ऑफ ह्यूमन कितना खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि जब इंसान इतनी ज्यादा हैवानियत पे उतर आए क्या होता है, और सब इसमें जानते हैं बहुत सारी औरतों ने भी इसमें साथ दिया था, ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो पूरा का पूरा ये जो मेल डोमिनेटेड ये जो रीजन था, ये पूरा आतंकवादियों ने जो पूरा कब्जा करके रख लिया था, और इनको एज अ सेक्स स्लेव ट्रीट किया, मारा पीटा बेच दिया। वहां जब लगने लगा था कि अब यहां पे, यहां से तो मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं गई अब, तभी उन्होंने देखा कि जो नादिया को जिन्होंने खरीदा था, उस उन्होंने दरवाजा जो है एक दिन वो लॉक करना भूल गए हैं, भगवान बिल्कुल है, उन्होंने नादिया को मौका दिया और वो भागी। बगल में एक नेबरिंग फैमिली थी, उन्होंने जब नादिया मुराद की स्टोरी सुनी, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको बचाने में फिर इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनको स्मगल किया, उसके बाद मतलब स्मगल मतलब यहां से इराक से इनको बाहर भेजा, और उसके बाद ये सीधा जर्मनी गई, और वहां पे फिर इन्होंने अपनी स्टोरी को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के संपर्क में आई, ठीक है, वहां पे फिर काफी एम्बेसडर और एक एक्टिविस्ट बन गई।
तो अब क्या है कि इन्होंने फिर अपने कैरियर और एक्टिविज्म को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया। इन्होंने उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए काम करना शुरू कर दिया और उनके लिए इन्होंने केस चलाना और जस्टिस मांगी जो ये सारी चीजों से पीड़ित है, स्पेशली औरतें। जिस तरह से रात रात भर जो सेक्स मार्केट होती है उनको बेचा जाता है, मारा जाता है, और इसमें तो फिर बहुत सारे काम होते हैं, इलीगल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या है कि नादिया उनकी भी हेल्प करती थी जो इनमें सर्वाइवर थी, जो बच के आती थी इन सारी चीजों से, ठीक है। उनकी भी टेस्टिमनीज लेती थी बहुत सारी चीजें। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिर ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ी और उनका जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, UNODC। चलिए UNODC के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ बताइए, चलिए बताइए। तो ये चीज है, मुराद की जो बुक है बहुत ही फेमस बुक, द लास्ट गर्ल माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड माई फाइट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी बताई उसमें। मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन पूरी की पूरी अपनी जो व्यथा है, अपना जो दर्द है, वो इन्होंने बताया है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जब इन्होंने स्पीच दी थी ना, ये कांप रही थी, और जिन जिन लोगों ने भी इनकी स्टोरी सुनी, इनकी कहानी सुनी, उनके होश उड़ गए कि ऐसा ऐसा होता है। भयंकर तरीके से उन्होंने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया और इसी की वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज 2018 मिला, कि उन लोगों के लिए इन्होंने आवाज उठाई है जिनकी शायद आज बिल्कुल भी आवाज नहीं है। लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं, वहां पे कुछ भी सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, रेप को एज अ वेपन वॉर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हमेशा से, सालों सालों से रेप एज अ वेपन इन वॉर यूज होता है। नादिया बोलती हैं कि मुझे कभी भी पता नहीं था कि जो अफ्रीका देश है, स्पेशली जो रुवांडा, रुवांडा जेनोसाइड पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा उनका दर्द क्या होगा। जब मेरे साथ ये हुआ, मुझ पे बीती, तब मुझे पता चला कि ये कितना खतरनाक होता है। आपको पता है काफी अफ्रीका के देश भी समय सिविल वॉर में है, और वहां पे वहां के जो जनरल है, जो मिलिट्री लीडर्स है, वो बोलते हैं अपने अपने जो सिपाहियों हैं, सिपाही से बोलते हैं कि जाओ रेप करके, वहां पे हर घंटे रेप्स होते हैं इतनी। और रेप को एज अ वेपन सालों सालों से ये यूज किया जा रहा है कि इनको तो पूरी तरह से हटा दो, साफ कर दो, ताकि इनकी तो आवाज बिल्कुल भी ना उठ पाए। उसके लिए क्या करो, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करो, ये चीज है। अगर नादिया मुराद के हम वापस आए तो उनका एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि सो फार वी हैव नॉट सीन जस्टिस हैपन फॉर यजीदीज, स्पेशली द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल स्लेवरी। इनकी तो भैया कोई सुनवाई ही नहीं है। अगर ये अगर भारत के बारे में बात करूं तो अगर ये पुलिस स्टेशन जाएंगी तो इनको तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं है क्या कोई प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल गलत है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। यकीनन जो ISIS कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, ऊपर तो भैया जवाब देना है ना, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे महान लोग आ जाते हैं, महान शख्सियत आ जाते हैं, ऐसे मसीहा आ जाते हैं नादिया मुराद जैसे, जो ये काम करते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। और अभी तो इनका करियर बहुत बहुत लंबा है, अभी तो इनको और भी काम करना है। तो ये चीज है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्द हाजिर हूँ अपने नए लेक्चर के साथ। कल दूसरे नोबेल प्राइज विनर की हम बात करेंगे, मुकवेगे की। वो उन्होंने भी यही किया, वो भी सेक्सुअल स्लेवरी के उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है जो अफ्रीका में होता है। तो हम उन पे भी बात करेंगे, उनकी भी बायोग्राफी को देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।